नमस्ते सत श्री अकाल सलाम, मैं हूँ लव कुमार और ये है मेरी वाइफ प्रीति। असि बिलोंग करने पंजाब तो, मेरी बीवी हैगी हरियाणा तो। तो जीजा साहब साढ़े लुधियाना रहते हैं। आज हम एक अननोन डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, इस रोड को पकड़ रहे हैं। कच्चे रोड निकले जब सिटी लुधियाना से थोड़ी सी दूर है, जब पाजी साढ़े गाइड भी ने तो साढ़े रोन की जीजा भी ने चार कट गाला है अपने हट जू तो इन्ह ने सानू दिखाना है भी की है पंजाब का कल्चर, की है पंजाब की शान, पंजाब की जो मेहमान नवाजी है उसके तो मतलब पूरे दुनिया में मशहूर है उसे क्या पकौड़े और रात को क्या बनेगा खाने में। पंजाब जितनी बार भी आए लेकिन ऐसा लगता है कि हर बार हम नया पंजाब देख रहे हैं। यार ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन आज जिस रूट पे हम आए हैं वो हमने आज तक नहीं देखा। वीर जी हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर। चोटा बस जिनको नहीं पता चोटा क्या होता है, चोटा होता है जो मज होती है, मज होती है भैंस, तो पैंस का जो मेल वर्जन होता है वो होता है चोटा। और चोटा जाता है तो पता ही नहीं था। तो भाई चोटा कहता है मज का बेटा होता है चोटा। मज का बेटा चोटा, वाह क्या डिस्क्रिप्शन दी पाजी ने। मज का बेटा चोटा, मज का बेटा तो चोटा, मज दी कुड़ी, मज दी कुड़ी चोटी चोटी। हां नहीं वो भैंस होगी ना, वो भैंस तो बाद में बनती है, शादी होती है। मज दी कुड़ी भैंस नहीं होगी फिर, जो बचपन में होती है जब उसकी शादी नहीं होती तो जोटी होती है वो। हाँ। जब वो जब उसकी शादी हो जाती है उसकी फिर वो भैंस बन जाती है, फिर भैंस बनती है, फिर वो दूध देती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बहुत गहराई में है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई, किद्दां? ठीक है जी। बकरी चारदे पे हो? हां जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਗੁਰਜਮਾਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਆਹ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ 30 ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਬੀਟਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਟਲਾ, ਬੀਟਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੀਟਲਾ, ਬੀਟਲਾ 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ 30-35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਡੇਰੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਬਾਹਰ ਦਾ 200। 200 ਭਾਈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਉਧਰ 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 ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀ उत्तराखंड में तो बकरियां आपको बहुत दिखाई है, जैसा कि जानते हो आप हमारा घर उत्तराखंड में भी है, रामगढ़ में। अच्छा, और असि उत्तराखंड रहने पहाड़ा भी रहने, उत्थे बकरियां बकरियां बहुत ना चराने पहाड़ा, उ जो बकरा मिलता है कस्सी बकरा होता है, कस्सी होता है, कस्सी मिलता है उ। चलो जी फिर मिलने तुहानू। की नाम भाई तुहाडा? मेरा सुखदीप सिंह। ठीक है वीरे, धन्यवाद, शुक्रिया जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਆ ਜੀ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ? ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਲਕਪੁਰ। ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਲਕਪੁਰ? ਬਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਾਏ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇਖ ਲੈਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਏ ਔਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾ ਖਾਏ, ਵੋ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹੋਈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਹਾਂ ਕੀ ਭਈਆ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ ਮੂੰਗਫਲੀ? ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ। ਇਹ ਵਿਚ ਮੇ ਕਿਆ ਭਈਆ? ਨਮਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਮਕ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਛਿਲਕਣੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਛਿਲਕਣੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਛਿਲਕਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਛਿਲਕ ਲੱਤ ਜਾਊਗੀ। चले फिर अगे भी चले, है ये रुकना
हर दो मिनट ब्रेक पंजाब आए हो तो फिर सारी चीजों के टेस्ट भी तो लेने हैं ना। ए थोड़ी थोड़ी ब्रेक का मार देंगे ते भाई ए लेना उन्हें ए लेना उन्हें ए लेना उन्हें ए लेना भाई ब्रेक का ना मारेगा। चलो भाई मूंगफली ले ली गरम गरम इससे बड़ा ठंडी हो। हां भी ले मूंगफली को देखो दो दाने दिए इसने मेरे को। एक्चुअली में सामने लिखा हुआ था पंजाबी में कुछ लिखा हुआ गुरुमुखी में मारपीट कमेटी मार्केट कमेटी नॉट मारपीट। क्या लेके जा रहे हो पाजी सरसों? जिस पिंड की तरफ अब हम जा रहे हैं उसका नाम है खैरा खैरा बेट। और बेट क्या होता है? जो पिंड होते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं उनके आगे बेट लगता है ज्यादातर। नजारा बहुत सुंदर है, नजारा बहुत सुंदर है जी। के लिए ये चाय के लिए बोला चाय पी के जाओ यहाँ पे रहो ठंड का मौसम हो रहा है। की नाम है तोड़ा? नरपाल सिंह। नरपाल सिंह तो हम बिल्कुल सतलुज के पास आ गए हैं। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है पर रिवर बिल्कुल पास आ गई है हमें दिख रही है। गड्डी आ गई आगे? हाँ जी थोड़ी आगे गड्डी चल जाएगी। गड्डी हाँ जी हाँ जी जाओगे। मजा शुरू हो जाता जो ब्यास सतलुज इलाका ना दुआबा वा। ये कौन सा गांव है बेटा? खारा बीड। अच्छा और ये गाय भैंस तुम्हारी है? दूध किस टाइम चोते हो? शाम को? आजा, 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 आजा। अब इसको गंडासे में काटोगे? डगराना पड़ेगा आपको तो आ दो। हाँ डंगर वास्ते ना। आपका नाम क्या बेटा? रंजीत कौर। रंजीत कौर। खिलाना भी है इन्हें पा दोगे कुछ मिलाओगे दे विच? थोड़े च पाओगे ना। यार एक रखी लो यार एक गाय भैंस। ये तोड़े प्लान है? हां जी चाचा दादी। चाचा दादी मुंडे। हमारी दादी के घर में 10 साल तक गाय भैंस कुछ थी। फिर जब मैं 10 साल की होगी फिर मम्मी ने कहा भाई बच्चों को संभालना है फिर मेरे दादा ने सारी गाय भैंस बेच दी थी। नेट आ रहे? नहीं
हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर देना, इन बच्चों को तो मैं सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, और मैंने जो जो बेल का आइकन था उसको नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दिया मैंने, सारी नोटिफिकेशन आएंगी। रात को पड़ जाएगी ना, सारा निपटा दिया। घर बड़ा सुंदर है इनका, सारा इनका झूले पे खाना वाला। और ये कमरा किस चीज के लिए यूज होता है? दादा सोंदा है तू सोया है। ये दादा जी का कमरा है इनके, और धूड़े से और मिट्टी से लेपा हुआ। ये दादा जी की फोटो है, किसकी फोटो लगी आगे? वाह दादा का रूप तो बहुत है यार तुम्हारे। ये देखो ना इधर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। चलो भाई मौजियां करो, फिर मिलेंगे। बाय। नहीं इसने आवाज लगाई, मैं यहाँ से चली गई थी। हेलो क्या बना रहे हो चूल्हे पे, धुआं उठ रहा है? क्या नाम है आपका बेटा? सुमनदीप कौर। गुरवीर। गुरवीर आज क्या बनाया था दिन में खाने का? पकोड़े। और रात को क्या बनेगा खाने में? आलू। वो ट्रैक्टर टूट गया तेरा? यहाँ पे कुछ हो रहा है, झाड़ियाँ एक तरफ से डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से झाड़ियाँ हैं कट के वो बिल्कुल बारीक हो रही हैं। बंदा की पे मतलब चाड़ियां पा रहे होते हैं चाद, फिर क्या होएगा था? चलाने वास्ते। अच्छा 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 चलाने वास्ते काम आंदा है। चाद के लिए यूज हो रहा है ये? चाय है ये, फ्यूल है। बड़ा सुंदर गांव है ये, वालीपुर कलां। वालीपुर कलां, वालीपुर कलां। लवी तेरा फेवरेट स्टॉप हो गया टिक्की वाला, रोक दी मैंने। फिर कह दो फिर से, फिर से बिना कही हुए मैंने रोक दिया गाड़ी आज। वाह टिक्की के साइज तो बढ़िया सर जी है। हां एक एक खिलाई है भाई, मैं एक एक खिला दी मैं बाहर आए। और टिक्की बड़ी डिफरेंट लग रही है आपकी। क्या डाला इसमें? आलू? आलू की टिक्की है? चने की दाल वाली भी है। अच्छा दाल पीछे पाई हुई है। मैं नीचे है कि ना? हां 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 पीछे पीछे। स्पेशल पंजाब की टिक्की है, एक बार खाओगे खाते रह जाओगे। अच्छा हां वो क्या पता। अरे वाह मटर भी है। मटर है ना? छोले। छोले हैं। 8-10 किलो वजन बढ़ के जाएगा हमारे यहाँ से। काफी टाइम पहले हम शोर सेंटर वापस जा रहे थे सरदार जी के साथ, हमने टिक्की खाई थी। सरदार जी को बोल रहा था मैं, सरदार टिक्की खाई थी लास्ट टाइम हमने। सेम ही पाई जाएगा। वही बंदा है, वही बंदा है। ये बताओ ना कितने साल पहले की बात है? 6-7 साल पहले। गुड़गांव से? हाँ गुड़गांव से। पहचान लिया? लो भाई ये बंदे ने पहचान लिया हमको। 6-7 साल पहले की बात है। हमरा गाँव है ना? हमरा अपनी टिक्की तैयार हो गई है। हमारे ब्लॉग पे जनरली आप खाने का जब कुछ ना कुछ फोटोज देखते ही हो। अब जुबान ना इनकी चिपक रही है। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट बहुत कम किया था और अभी मुंह थोड़ा इसको देख के पानी से भर रहा है। लोकेशन भी बता दो भाई, कभी कोई पंजाब आए तो ये टिक्की जरूर ट्राई करना, वाकई में बहुत जबरदस्त टिक्की है, खा के बताऊंगी। हां देखो बाबूराम, बाबूराम दी टिक्की, गोलगप्पे आलू टिक्की। गोलगप्पे मिसिंग है आज? गोलगप्पे बंद कर दिया जी, ठंड आ गई ना। ठंडी गोलगप्पे नहीं खांदे? ए एक रूल है जारी पास करता। बढ़िया आए मजा। बाबूराम दी टिक्के दे मार्क्स फुल बेटा फुल के नजर आ गए फिर। या ये वीर जी यहां के परमानेंट कस्टमर है। देखो जी एक बंदे ने और हम लाने हैं। हां जी तो ऐसी कह रहे भाई पाजी टिक्की खा लो। ए खाकर थक गया, इतनी टिक्कियां खा दी इन्होंने। रोज टिक्कियां खानी है इथे जी, और करना है तो रोज आना डेली इधर कोले आके जाना, जिन्ने गड़े भी आना इधर कोले लाज भी होके जाना। इथे तेरे के नहीं भी तेरे आवाज मार के रोकना। आ जा वीर फिर दिल कर आपा ही दिल करते। मेरा नाम जगदेव सिंह है।
रायबरेली यूपी। 20 साल हो गए इनको इमिग्रेट हुए यहाँ पे। चलो जी मिलते हैं फिर। ओके जी, सत श्री अकाल। तो अभी लगता है सबको बहुत मजा आया होगा आज पिंडों की सैर करके हमारे साथ, अलग अलग पिंड लेके गए। तो जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर, डू शेयर एंड लाइक द वीडियो एज वेल। माझे वाले भी, दुआबे वाले भी, मालवे वाले भी, इंडिया वाले भी, इंडिया के नाल बॉर्डर वाले भी,